गाइस मैं कोशिश करती हूँ हर बार आप लोगों के लिए कुछ नया लाने की, और मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आती हूँ जिनको हम कहीं ना कहीं ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। और मैं जो अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ डेली लाइफ सेंटेंसेस पर, या फिर बोल सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में जो कॉन्वर्सेशन होती है उन पर बेस्ड मैं सेंटेंसेस लेकर आती हूँ जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इनमें मैं कुछ नए सेंटेंसेस का कलेक्शन हर बार लेकर आती हूँ। उसी तरह से आज के इस वीडियो में भी हम कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस देखेंगे, समझेंगे भी कि किस टेंस में ये बना हुआ है, किस वर्ब का क्या मीनिंग निकलता है, ताकि आप उससे रिलेटेड कोई और सेंटेंस आराम से बना लो। अगर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तीनों में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ईजिली ये सेंटेंसेस लर्न भी हो जाते हैं और समझ में भी आ जाता है कि किस स्ट्रक्चर में ये बना हुआ है। सो गाइस मेरे साथ वीडियो का एंड तक बने रहिए क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं हमेशा की तरह कुछ नया। लेट्स गाइस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, बात को हंसी में मत उड़ाओ। देखिए, बात को हंसी में मत उड़ाना, या फिर हम समझ सकते हैं कि किसी चीज का मजाक बनाना, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है लाफ अवे। तो हमने कहा बात को हंसी में मत उड़ाओ, कोई आपसे कुछ कह रहा है और आप उसकी बात को मजाक में ले रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप उस पर हंस रहे हैं, तो इस सिचुएशन में है बात को हंसी में मत उड़ाओ। तो हमारा इंग्लिश होगा डोंट लाफ अवे द मैटर, डोंट लाफ अवे द मैटर। तो लाफ अवे का मीनिंग जो मैटर है उसको आप हल्के में मत लो, उसका मजाक मत बनाओ। ओके, तो डोंट लाफ अवे द मैटर मतलब बात को हंसी में मत उड़ाओ। बच्चों का आधा टिकट लगता है, जब भी बच्चे ट्रेन बस में सफर करते हैं तो उनका जो किराया होता है वो आधा होता है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम बोलेंगे चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर, फेयर होता है किराया। ओके, फेयर को इंग्लिश में किराया बोलते हैं, जैसे कि बस का किराया तो हम बोलेंगे बस फेयर, या फिर ट्रेन का किराया, तो जो किराया होता है वो फेयर कहलाता है। तो चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर मतलब बच्चों का आधा किराया लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखिए गाइस, हम सभी जानते हैं कि शिकायत करना होता है कंप्लेन। ओके, तो कंप्लेन और अगर हमें खिलाफ उसमें ऐड करना है तो हम अगेंस्ट प्रपोजिशन का यूज करेंगे, या हम बोल सकते हैं कंप्लीट वर्ब हमें यूज करना है कंप्लेन अगेंस्ट। ओके, जिसका मीनिंग होता है किसी के खिलाफ शिकायत करना। तो आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू मतलब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। आप इसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई विल कंप्लेन यू, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। आपको बोलना होगा आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू मतलब मैं आपकी शिकायत करूंगी, आपके खिलाफ शिकायत करूंगी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से करूंगी। अब गाइस यहाँ पर देखिए दो सिचुएशन है, एक में तो हम तुम्हारी मतलब बोल सकते हैं, एक में हम किसी व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं, दूसरा हम किसी और व्यक्ति से कर रहे हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि जिस व्यक्ति की शिकायत हो रही है वहां पर हमें अगेंस्ट वर्ब का यूज करना है। जैसे आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू मतलब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी टू योर फादर मतलब आपके पापा से। आपको सिर्फ इतना बोलना हो कि मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी तो आप वहां पर अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आई विल कंप्लेन टू योर फादर मतलब मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी, आपके पापा को शिकायत करूंगी। और किसी की शिकायत करना दैट इज कंप्लेन अगेंस्ट। गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तो देखिए गुलाम को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव। आपने कहा मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट योर स्लेव। ओके, वह मेरी गुलाम है तो हम बोलेंगे शी इज माई स्लेव। किसी भी सेंटेंस में आप इसे बना सकते हैं, जैसे क्या आप उसके गुलाम हो, आर यू हर स्लेव। तो स्लेव का मीनिंग होता है गुलाम। मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई एम डूइंग द डिशेज। ओके, आई एम डूइंग द डिशेज मतलब मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चले, आप पहले हिंदी के सेंटेंसेस देखेंगे और फिर आपको देखना है कि वो कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है। यह हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए हमने आई एम डूइंग द डिशेज का यूज किया, मतलब हमने वर्ब में आईएनजी लगाया। गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तड़का भून दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सॉटे द मिक्सचर। ओके, सॉटे द मिक्सचर मतलब तड़का भून दो। देखिए सॉटे का मीनिंग होता है थोड़ा सा तेल में फ्राई करना। तो जब हम बोल सकते हैं मसाला या तड़का बनाते हैं उसमें सारी चीजों का मिक्सचर होता है, काफी सारी चीजें उसमें होती है, तो हम बोलेंगे सॉटे द मिक्सचर मतलब तड़का भून दो। मैं वीकेंड्स पर सुबह थोड़ी देर से सोकर उठता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आपका इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई वेक अप अ लिटिल लेट मतलब थोड़ा देर से, ऑन वीकेंड्स मतलब वीकेंड्स पर। वीकेंड्स होता है गाइस सैटरडे और संडे, वीकडेज और वीकेंड्स, ये दोनों पर बेस्ड मेरा एक शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा। वीकडेज होते हैं सप्ताह के दिन और वीकेंड्स होता है सैटरडे एंड संडे।
तो यहाँ पर ये मीनिंग निकल रहा है कि मैं सैटरडे और संडे को थोड़ा सा देर से सोकर उठता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, बादाम को पीस लो, तो हम बोलेंगे क्रश द आलमंड्स। ओके, यहाँ पर ये जो एल है इसको आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, आलमंड्स नहीं बोलना है, आप बोलेंगे आलमंड्स। ओके, तो आपका सेंटेंस होगा क्रश द आलमंड्स, मतलब बादाम को पीस लो, आलू को मसल दो। सो गाइस, मसाला का इंग्लिश होता है मैश, तो हमारा सेंटेंस होगा मैश द पोटैटोस, मतलब आलू को मसल दो। तो क्रश करना होता है पीसना और मैश करना होता है मसलना। नेक्स्ट है, अगर वो आपकी बात नहीं माने तो, ऐसे जनरली हम बोलते हैं ना कि अगर वो आपकी बात नहीं माने तो, अगर वो ऐसा कर ले तो हम यहाँ पर सेंटेंस यूज करेंगे, या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर यूज करेंगे व्हाट इफ। ओके, व्हाट इफ का यूज आपको करना है कि अगर ऐसा हुआ तो, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो आपने कहा अगर वो आपकी बात ना माने तो, व्हाट इफ ही डजंट ओबे यू। ओके, व्हाट इफ ही डजंट ओबे यू, ओबे होता है आज्ञा का पालन करना। आप इसकी जगह लेसन का यूज भी कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें मैंने कहा क्या हो जाएगा अगर वह यहाँ नहीं आए तो, या फिर क्या होगा अगर तुम वहां चले जाओ तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे व्हाट इफ यू गो देयर, क्या हो जाएगा अगर तुम वहां चले जाओगे। व्हाट इफ यू प्रैक्टिस विद मी, क्या होगा अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन के लिए आप व्हाट इफ का यूज कर सकते हैं। उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम है, तो यहाँ पर सेंटेंस होगा ही इज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। कैसे कि अक्यूज होता है किसी पर इल्जाम लगाना, किसी ने कोई गलत काम किया है, कोई कानून तोड़ा है, उसके खिलाफ इल्जाम लगाना, दैट इज अक्यूज। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, अक्यूज्ड ऑफ मतलब अपराधी ठहराना, हम यहाँ पर इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ही इज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, मतलब पैसे चोरी करने का अपराधी उसे ठहराया गया है या फिर इल्जाम लगाया गया है, आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं, बट इसका मीनिंग होता है अक्यूज्ड ऑफ का, इल्जाम लगाना या फिर अपराधी ठहराना। आप इसे सेंटेंस में ऑफ के बाद में वर्ब लगाकर आपका नेक्स्ट वर्ब कोई सी भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरी खामोशी का फायदा मत उठाओ। देखिए, फायदा उठाना होता है टेक एडवांटेज या फिर गेट एडवांटेज, तो डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माय साइलेंस, मतलब मेरी खामोशी का फायदा मत उठाओ। अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नाउ यू हैव बिकम माय फ्रेंड, नाउ यू हैव बिकम माय फ्रेंड, अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप इसको और किसी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू हैड बिकम माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त बन गए थे, या फिर आप बोल सकते हैं यू हैव बिकम माय एनिमी, तुम मेरे दुश्मन बन गए हो या बन चुके हो। इस नेक्स्ट सेंटेंस है, कपड़ों की घड़ी कर दो, इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में फोल्ड द क्लॉथ्स। फोल्ड का मीनिंग होता है घड़ी करना। ओके, तो फोल्ड द क्लॉथ्स मतलब कपड़ों की घड़ी कर दो। मैट बिछाने में मेरी मदद कर दो, तो आप बोलेंगे हेल्प मी इन स्प्रेडिंग द मैट। देखिए, स्प्रेड का मीनिंग आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्प्रेड का मीनिंग किसी चीज को फैलाना होता है, तो जब भी ऐसी कोई चीज है जिसको हम फैला कर सेट करते हैं, वहां पर आप स्प्रेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आपका सेंटेंस बना हेल्प मी इन स्प्रेडिंग द मैट, मतलब मेरी मदद कर दो इस मैट को बिछाने में या इस मैट को फैलाने में। नेक्स्ट है, बाल्टी को भरने दो, तो हम बोलेंगे लेट द बकेट फिल अप। देखिए गाइस, लेट हम कब यूज करते हैं, जब हिंदी के सेंटेंसेस में ने दो आता है, जैसे मुझे जाने दो लेट मी गो, मुझे आने दो लेट मी कम, मुझे पढ़ाने दो तो हम बोलेंगे लेट मी टीच। तो हमारा सेंटेंस है बाल्टी को भरने दो, तो लेट द बकेट फिल अप। बाल्टी भर गई है तो हम बोलेंगे बकेट इज फुल। ओके, बकेट इज फुल मतलब बाल्टी भर गई है। अपने कपड़ों पर खाना मत गिराओ, जनरली आप अगर बच्चों से बोल रहे हैं, बच्चे खाना गिराते हैं खाते खाते, आप उन्हें बोलना चाह रहे हैं कपड़ों पर खाना मत गिराओ, तो आप बोलेंगे डू नॉट स्पिल योर फूड ऑन योर क्लोथ्स। स्पिल का मीनिंग होता है गाइस गिर जाना, ठीक है, झलकना, ये इनके मीनिंग्स होते हैं, तो आप बोल सकते हैं डू नॉट स्पिल योर फूड ऑन योर क्लोथ्स, मतलब अपने कपड़ों पर खाना मत गिराओ। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, जब भी आपका पेट खराब होता है, आवाज करता है, तो आप ऐसा बोलते हैं यार मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, आप उसे बोलेंगे माय स्टमक इज रंबलिंग। ओके, माय स्टमक इज रंबलिंग मतलब मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। नेक्स्ट है, वह इस मामले में चश्मदीद गवाह है। कैसे कि चश्मदीद गवाह, जिसने किसी क्राइम को होते हुए देखा हो, अपनी आंखों से देखा हो, ठीक है, तो वो उसे हम लोग बोलते हैं चश्मदीद गवाह।
तो सेंटेंस बनेगा ही इज एन आई विटनेस इन दिस केस. तो आई विटनेस होता है चश्मदीद गवाह. तो सेंटेंस बन गया ही इज एन आई विटनेस इन दिस केस. इस केस में वह चश्मदीद गवाह है. सिंपल सा सेंटेंस है. यहाँ पर बस हमें ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि चश्मदीद को क्या बोलते हैं. अदरवाइज ये सेंटेंस हमारा टू बी स्ट्रक्चर में बना हुआ है. आज इस काम को करने का शुभ दिन है. शुभ मतलब होता है ऑस्पिशियस. तो हमारा सेंटेंस है आज इस काम को करने का शुभ दिन है. इट्स ऑस्पिशियस डे टुडे टू डू दिस वर्क. इट्स ऑस्पिशियस डे टू डू दिस वर्क. ऐसा ही ऑस्पिशियस टाइम हो सकता है. ऑस्पिशियस कोई चीज हो सकती है मतलब शुभ. तो इट्स ऑस्पिशियस डे टू डू दिस वर्क मतलब इस काम को करने का आज अच्छा दिन है शुभ दिन. भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता. Nobody can stand against fate. Okay, nobody can stand against fate. मतलब भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता. मैं यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ. I am standing here मतलब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ. Next है ग्लास को उल्टा कर दो. Okay, तो turn the glass upside down. Upside डाउन मतलब जो ऊपर वाला भाग है उसे नीचे कर दो. तो ग्लास को उल्टा कर दो. टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन. बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता. इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड. देखिए सिंपल सा सेंटेंस है. हम किसी को बोलते ना यार आप बहुत अच्छे हो लेकिन बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता. तो सेंटेंस है इट्स नॉट गुड मतलब यह अच्छा नहीं होता. टू बी टू गुड मतलब बहुत अच्छा होना. तो यहाँ पर ये जो बी है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है गाइस. होना टू बी टू गुड तो बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है. सो गाइस ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहे होंगे. अब आप क्या करें जब भी आप फ्री रहें तो आपको वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ सुन सुनकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे. जब मैं हिंदी में बोलूंगी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए. एक नहीं दुनिया तीन बार देखिए. इससे क्या होगा सेंटेंस मेकिंग आप सीखेंगे. प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी क्योंकि कोई भी चीज़ हमें एक बार सीखने से नहीं आती है. और इनको रटना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं. हमें चीज़ों को समझ कर चलना है ताकि समझेंगे तो और भी अच्छे से सीख पाएंगे. सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये सेंटेंसेस का कलेक्शन भी. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय टेक केयर.